But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द जी मेडिनेस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एंथोनी के बारे में। तो ये एक अमेरिकन डायरेक्टर है जो कि हॉलीवुड मूवी डायरेक्ट करती हैं, और इन्होंने इससे काफी पहले अच्छी अच्छी मूवीज डायरेक्ट करी हैं। जो कि मेरी फेवरेट है एंथोनी की, वो है शूटर, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है। अब हाल ही में एंथोनी ने एक अपडेट दिया है कि वो मार्वल स्टूडियो में केविन फाइगी से बात करेंगे फ्यूचर से रिलेटेड मूवीज, यानी कि मार्वल प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि एंथोनी देख रहे हैं कि आजकल की दुनिया में सब सुपर हीरो मूवी की तरफ भाग रहे हैं, और अब तो एमसीयू की आगे की प्लानिंग काफी ज्यादा एडवांस है। और उन्होंने इस आर्टिकल में साफ साफ ये बोला है कि उन्हें फ्यूचर में ऐसे डायरेक्टर चाहिए जिनका माइंड, जिनकी विजुअल फैक्ट और देन जो की क्रिएटिविटी में ज्यादा माहिर हो। और एंथोनी उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने खुद सोचा कि मैं केविन फाइगी से मीटिंग करूंगा और देन बात भी करूंगा। आपने मेरा फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट तो देख लिया होगा। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, इनह्यूमंस जो कि कैंसिल हो चुकी थी, उसकी फेरबदल में टाइमलाइन चेंज करनी पड़ी और एंटमैन द वास्प आ गई। अब देन मार्वल फेज 4 में एंथोनी की जो सोच है वो है ब्लेड की तरफ। वो चाहते हैं कि मैं एक ब्लेड मूवी बनाऊं। तो आपका क्या कहना है कि एंथोनी कैसी मूवी क्रिएट कर सकती है मार्वल में सुपर हीरो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और देन उनकी लिस्ट भी। तो देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।